शुरुआती दृश्य में हमें एक अंतरिक्ष यात्री से मिलवाया जाता है, मॉली वुड्स। वह हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन सिराफिम पर दी महीने के एकल मिशन से घर लौटी है। लंबी अंतरिक्ष यात्रा ने मॉली के शरीर पर बहुत बुरा असर डाला है, क्योंकि वह पृथ्वी के वातावरण में खुद को फिर से डालने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका छोटा बेटा एथन उसकी भलाई के लिए चिंतित दिखाई देता है, लेकिन उसका पति जॉन अपने बेटे को आश्वस्त करता है कि वह ठीक हो जाएगी। फिर दृश्य एक घर की पार्टी में कट जाता है, जिसे जॉन अपनी पत्नी की वापसी के अवसर पर आयोजित करता है। उनके सभी दोस्त और परिवार के सदस्य उपस्थित होते हैं। उनके आनंद के बीच मॉली के दोस्तों में से एक उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देती है। वह दावा करती है कि उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दी है कि जब तक उसके टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक वह कोई ड्रिंक न ले। उस रात बाद में जब मॉली कचरा बाहर निकालने जाती है, तो पास की सड़क पर एक छायादार आकृति दिखाई देती है। हालांकि जब वह एक सेकंड के लिए दूर जाती है, तो वह आकृति अस्पष्ट रूप से गायब हो जाती है। इस बीच जब जॉनथन को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो लड़का कहता है कि उसे एक फ्लिप की जरूरत है। जवाब में जॉनथन की पीठ में एक छोटा सा डिब्बा खोलता है और उसमें बैटरी जैसी कोई चीज डालता है। यहां यह पता चलता है कि एथन एक वास्तविक इंसान नहीं है, बल्कि जॉन द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम रूप से बुद्धिमान एंड्रॉइड है। अगले दिन मॉली अपने स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए अपने चिकित्सक मित्र सैम से मिलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी या ICA जाती है। सैम, जो बार बार सभी परीक्षणों से गुजरा है, चौंकाने वाली खबर देता है, मॉली गर्भवती है। हैरान वह सोचती है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि वह अभी अभी एक एकल मिशन से घर लौटी है और इसके अलावा वह बांझ है। इसके बावजूद उसका दोस्त पूछता है कि क्या वह अंतरिक्ष यान पर अकेली थी। फिर फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें मॉली के अंतरिक्ष में बिताए समय को दर्शाया गया है। वह किसी तरह के पौधे के प्रयोग पर काम कर रही है, जब उसे अपने बेटे और पति से एक वीडियो संदेश मिलता है। जैसे ही वह इसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक कनेक्शन टूट जाता है। वह अपने AI सहायक बेन से इस मामले के बारे में पूछती है, जिस पर वह जवाब देता है कि यह सॉर्ड्स वालाओं के कारण है। मॉली उसे संचार प्रणाली को पुनः आरंभ करने का निर्देश देती है, लेकिन बेन सहित पूरी बिजली चली जाती है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह मैनुअल रूप से पावर केबल की जांच और मरम्मत करने जाती है। केबल रूम में रहते हुए वह अपने मृतक पूर्व प्रेमी मार्क्स को एक पोर्टहोल के माध्यम से देखती है, जो कांच के पास पहुंचता है और लिखता है, मेरी मदद करो। वर्तमान में वापस मॉली सैम से अनुरोध करती है कि वह इसे गुप्त रखे और उसे चीजों को समझने के लिए कुछ समय दे। बाद में उससे उसके वरिष्ठ निर्देशक एलन स्पार्क्स द्वारा पूछताछ की जाती है। वह उसके स्पष्टीकरण पर संदेह करता है कि सिराफिम के डेटाबेस से कई घंटों की वीडियो फाइलिंग कैसे मिटा दी गई। इसके बावजूद वह जोर देकर कहती है कि उसने इसे डुप्लीकेट करने के बजाय गलती से हटा दिया। इस बीच जॉन अपने नवीनतम प्रोजेक्ट द ह्यूमैनिज पर एक प्रमुख कंपनी यासुमोटो कॉरपोरेशन के सामने एक प्रस्तुति दे रहा है। जॉन बैंकों में एंड्रॉइड और मेड असिस्ट रोबोट के बारे में बात करता है, जो काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें भावनाएं नहीं होती। फिर वह एथन को सभी से मिलवाता है, जिसे वह दिन प्रतिदिन के मानवीय अनुभवों के साथ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड से मंजूरी और फंडिंग चाहता है। बोर्ड के सदस्यों में से एक ने उससे ह्यूमनिच के गलत व्यवहार की स्थिति में उसकी आपातकालीन समाप्ति योजना के बारे में पूछा। यह सवाल जॉन को बुरा लगता है और वह दावा करता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के जीवन को समाप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। दुर्भाग्य से बोर्ड को उसका जवाब पसंद नहीं आता है, इसलिए वे फंडिंग से इनकार कर देते हैं। अगले दृश्य में एलन यासुमोटो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हिदेकी यासुमोटो से मिलने जाता है, जो मॉली का नियोक्ता भी है। एलन मॉली के स्पष्टीकरण के बारे में अपनी शंका व्यक्त करता है, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसी गलतियां नहीं करती है। जवाब में हिदेकी उसे उस पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देता है। फिर एलन जॉन की उसे फंडिंग पाने की रुचि के बारे में बात करता है। यह सुनकर हिदेकी तुरंत जॉन को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाता है और उसे फंडिंग प्रदान करता है, भले ही उसके बोर्ड ने पहले क्या निर्णय लिया हो। बाद में शाम को मॉली अपने बेटे के साथ पार्क में कुछ समय बिताती है। वहां रहते हुए उसे एक गुब्बारा मिलता है, जिस पर एक नोट लिखा होता है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उत्सुकता से मॉली उस आदमी की तलाश करने का विकल्प चुनती है जिसने इसे भेजा था, लेकिन एथन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। जब वह उसे मजबूर करती है, तो लड़का गुस्से में जंगल में भाग जाता है। मॉली उसका पीछा करती है और अंततः उसे एक मृत कबूतर के ऊपर खड़ा पाती है। उस रात वह अपने पति के साथ घटना के बारे में बात करती है और दावा करती है कि एथन बहुत बदल गया है। हालांकि जॉन उसकी चिंता को यह कहते हुए टाल देता है कि यह एक बढ़ती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है। बाद में मॉली अपने कमरे में अकेली होती है, जब वह फिर से अंतरिक्ष यान की घटना को याद करती है। पिछले फ्लैशबैक को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि उसने मार्क्स के लिए दरवाजा खोला, उसे जहाज में प्रवेश करने दिया। मार्क्स बेवजह जमीन पर मजबूती से खड़ा था, जबकि वह कम गुरुत्वाकर्षण के कारण तैर रही थी। फिर वह उसके पास गया और उसे धीरे से छुआ, जिससे वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद मॉली जाग गई और तुरंत CCTV फुटेज की जांच करने लगी। उसे बहुत झटका लगा, फुटेज में उसकी सारी हरकतें दिखाई दे रही थी, लेकिन मार्क्स का कोई निशान नहीं था। इस रहस्य उद्घाटन ने उसे बहुत परेशान कर दिया,
इसलिए उसने पागलों की तरह सभी फुटेज को डिलीट कर दिया। वर्तमान समय में मौली घर के बाहर कचरा निपटाने जाती है। इस दौरान वह एक आदमी को देखती है। जैसे ही वह उसके पास आता है, वह यह पहचान कर चौंक जाती है कि यह हार्मोन क्राइगर है, एक साथी अंतरिक्ष यात्री जिसने कथित तौर पर अकल्पनीय काम किया है। वह दावा करता है कि उसे पता है कि उसके मिशन के दौरान क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते, जॉन ने उसे अंदर से बुलाया। नतीजतन हार्मोन बाद में वापस आने का वादा करते हुए चला जाता है। अगली सुबह मौली उठती है और नाश्ता तैयार करने के लिए नीचे जाती है। उसका स्वागत उसके पति द्वारा किया जाता है, जो पहले से ही काम के लिए तैयार है। प्रस्थान करने से पहले वे दिन के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं और जॉन उसे एक रोमांटिक लंच डेट के बारे में बताता है, जिसे उसने उसके लिए व्यवस्थित किया है। इसके बाद वह अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचता है और उसका सहकर्मी उसे एक दौरा कराता है। जॉन अपनी नई प्रयोगशाला से अचंभित है, जो वह सब कुछ है जो वह हमेशा से चाहता था। घर वापस जब मौली एथन के साथ खेल रही होती है, तो उसे एक धमाकेदार आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर वह रसोई में मार्कस को देखकर चौंक जाती है। फिर उसे अचानक पेट में दर्द होता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। एथन उसे गिरते हुए सुनता है और नीचे की ओर भागता है, लेकिन अपनी माँ को बेहोश पड़ा हुआ पाता है। वह उसके पेट पर अजीब हरकत भी देखता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता है और उसे जगाने के लिए आगे बढ़ता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर वह पुष्टि करती है। उस दिन बाद में मौली एथन को एक संग्रहालय में ले जाती है, जहां वह और कुछ अन्य बच्चे पक्षियों और जानवरों की होलोग्राफिक छवि का आनंद लेते हैं। जब बच्चे इधर उधर खेलते हैं, तो सैम मौली के पास आता है। वह बताती है कि एलन लगातार उस पर मौली की स्वास्थ्य रिपोर्ट के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि बाद वाली का कहना है कि वास्तविक मामले को उजागर करने के लिए उसे अभी भी कुछ समय चाहिए। इसके अलावा वह कबूल करती है कि उसने हार्मोन को देखा था और दावा करती है कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था। इस बिंदु पर सैम ने खुलासा किया कि हार्मोन के मस्तिष्क स्कैन में असामान्यताएं थीं, जो उसे लगता है कि किसी प्रकार का न्यूरोवायरस है। उसे डर है कि मौली में भी ऐसी ही असामान्यताएं हैं, लेकिन बाद वाली उसकी चिंता को खारिज कर देती है। इसके बजाय मौली कहती है कि वह अपनी गर्भावस्था की पुष्टि के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती है, क्योंकि उसे इस समय किसी पर भरोसा नहीं है। सैम उसकी बात मान लेता है और ऐसा करने के लिए रडार से दूर एक जगह खोजने का वादा करता है। इस बीच एथन को मनुष्यों के विकास के बारे में एक सूचना रोबोट से बात करते हुए देखा जाता है। रोबोट प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की व्याख्या करता है और विलुप्त होने को कमजोर प्रजातियों के साथ होने वाली घटना के रूप में परिभाषित करता है। एथन उत्सुक दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, मौली आ जाती है और उसे ले जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि हार्मोन पूरे समय उन्हें ऊपर से देख रहा था। जैसे ही माँ और बेटा संग्रहालय छोड़ते हैं, हार्मोन अंतरिक्ष स्टेशन में अपने समय को याद करता है, जो हमें एक और फ्लैशबैक की ओर ले जाता है। पता चला कि वह किसी काम पर था जब उसे बिजली कट का अनुभव हुआ, ठीक वैसे ही जैसे मौली ने अनुभव किया था। फिर उसने एक टॉर्च लाइट ली और जांच करने गया, केवल फर्श पर कई पैरों के निशान पाए। उसने सावधानी से देखा और अपनी माँ को देखा, जिसे वह पूरी तरह सदमे में आ गया, क्योंकि उसकी मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी थी। वर्तमान में वापस मौली एथन को जॉन की प्रयोगशाला में छोड़ देती है, क्योंकि हिदेकी व्यक्तिगत रूप से लड़के से मिलना चाहता है। इसके बाद वह आईसीए जाती है, जहां वह गुप्त रूप से हार्मोन के मिशन के फुटेज तक पहुंचती है। एक फुटेज में वह हार्मोन को एक डिब्बे के दरवाजे पर बैरिकेडिंग करते हुए देखती है। इससे पहले कि वह आगे देख पाती, उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह इमारत से भाग जाती है। ठीक बाहर हार्मोन उसे एक कार में उठाता है और उसे एक दूरस्थ स्थान पर ले जाता है, जहां वह वर्तमान में रह रहा है। पहुंचने पर वह अंतरिक्ष में अपने पूरे अनुभव को बताता है। जैसा कि पहले फ्लैशबैक जारी रहता है, हम देखते हैं कि कैसे उसकी मां ने उसके चेहरे को उसी तरह छुआ जैसे मार्क्स ने मौली के चेहरे को छुआ था। इसे वह घबरा गया, इसलिए वह दूसरे डिब्बों में भाग गया। लेकिन उसके डरावनेपन से ज्यादा उसकी मां ने उसका पीछा किया, बेवजह हर बंद दरवाजे से अपना रास्ता बना रही थी। घबराई हुई स्थिति में होने के बावजूद वह उसे एयरलॉक में फंसाने में कामयाब रहा और आखिरकार उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया। हार्मन के अनुसार उसने अपना अनुभव आईसीए के सदस्यों को बताया, लेकिन उन्होंने उसे सिजोफ्रेनिया का रोगी माना। मौली उसकी कहानी से संबंधित है और जोर देकर कहती है कि उन्हें अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत चाहिए। बाद में सैम मौली को उठाता है और उसे एक पशु चिकित्सक के पास ले जाता है, जहां वह उसका अल्ट्रासाउंड कराती है। उस शाम मौली एलन से अपनी गर्भावस्था की खबर के बारे में पूछती है और पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है, लेकिन वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। एलन फिर हिदेकी के पास जाता है और उसे खबर सुनाता है। वह यह भी पूछता है कि क्या गर्भावस्था का मतलब है कि उन्हें मिल गया है, जिस पर हिदेकी स्पष्ट रूप से जवाब देता है, मुझे लगता है कि वे पहले से ही यहां हैं। इस बीच मौली घर लौटती है और अपने पति से रेस्तरां में न आने के लिए माफी मांगती है। जॉन को कुछ गड़बड़ नजर आती है, लेकिन वह उसे यह बताने के लिए मजबूर नहीं करता। वह उसे समय देता है, साथ ही उसे आश्वस्त करता है कि उसे अकेले इस दौर से गुजरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह मौली जॉगिंग से घर लौटती है और एलन को बाहर इंतजार करते हुए पाती है। वह चाहता है कि वह कुछ दिनों के लिए परीक्षण के लिए एक सीमित आईसीए क्षेत्र में आए।
वह दावा करता है कि उसकी गर्भावस्था एक गुप्त आंतरिक एजेंसी गर्भावस्था प्रयोग का परिणाम है, जिसमें उन्होंने जॉन और मॉली से बिल्कुल सही जमे हुए अवयवों को मिलाया। रहस्य उद्घाटन से चौंकने के बावजूद मॉली संगरोध होने से इनकार करती है और चली जाती है। इन सब के अलावा एथन प्राथमिक विद्यालय के अपने पहले दिन के लिए तैयार हो जाता है। जॉन और मॉली उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत निराशा होती है जब दूसरे माता पिता अपने बच्चों को रोबोट के आसपास देखकर चिंता व्यक्त करते हैं। हालांकि दंपति किसी तरह उन्हें यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि उनके बेटे से कोई खतरा नहीं है। बाद में मॉली हार्मोन के ट्रेलर में यह पूछने जाती है कि क्या लौटने के बाद उसे कोई टेस्ट करवाना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर वह उसे नहीं पाती है। वह ट्रेलर के चारों ओर देखती है और एक अजीब प्रतीक देखती है जो अपोलोनियन गैस्केट के आकार का है। उसी शाम जॉन मॉली के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखता है ताकि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उसके द्वारा मिस की गई पार्टी की भरपाई की जा सके। पार्टी में कई दोस्त, परिवार के सदस्य और सहकर्मी शामिल होते हैं। खासकर मॉली मार्क्स के भाई टिम को देखकर हैरान रह जाती है। फिर दोनों के बीच मार्क्स के बारे में एक निजी बातचीत होती है और वे उसकी मौत के बाद कितना दुख झेल चुके हैं। कुछ समय बाद सैम पार्टी में रुकता है और डीएनए टेस्ट के लिए मॉली के खून का नमूना लेता है। चल रही पार्टी के बीच में बिजली चली जाती है, इसलिए जॉन जनरेटर चालू करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में जाता है। वहां उसे एक बॉक्स के अंदर एक पक्षी कैद मिलता है। जैसे ही वह उसका निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ता है, एथन प्रकट होता है और स्वीकार करता है कि उसने ही यह किया था। यह जॉन को परेशान करता है, इसलिए वह लड़के को ऐसी गतिविधियों को दोहराने से मना करता है और साथ ही रहस्य रखने से मना करता है। जवाब में एथन दावा करता है कि मॉली ने भी उससे एक रहस्य छिपाया है। अगले दृश्य में जॉन अपनी पत्नी से उनके कमरे में निजी तौर पर भिड़ता है। मॉली आखिरकार उसे बताती है कि जब वह अंतरिक्ष में थी तो आईसीए ने उसकी सहमति के बिना उस पर प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप वह गर्भवती है। यह रहस्य उद्घाटन जॉन को सदमे में छोड़ देता है, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह सच्चाई को उजागर करने में उसका समर्थन करेगा। अभी के लिए वे दोनों पार्टी का आनंद लेने का फैसला करते हैं। फिर मॉली को जॉन और एथन के एक विशेष वीडियो संदेश से आश्चर्य होता है, जो उसे वास्तव में विशेष महसूस कराता है। कुछ घंटों बाद पार्टी आखिरकार खत्म हो जाती है और मॉली सभी को उनकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही सभी जाने की तैयारी करते हैं, वह टिम को ढूंढना शुरू कर देती है, उसका नाम पुकारती है। जॉन यह देखकर हैरान हो जाता है और दावा करता है कि वह यहां नहीं है। मॉली फिर एक ग्रुप फोटो देखती है जो उन्होंने कुछ पल पहले ली थी और आखिरकार उसे एहसास होता है कि जॉन सही है। वह यह सब भ्रम में थी। इस घटना से उसे एहसास होता है कि वह पागल हो रही है, इसलिए वह आखिरकार खुद को अलग रखने का फैसला करती है और एलन को फोन करती है। कुछ देर बाद वह उसे लेने आता है और दोनों गाड़ी से चले जाते हैं। दूसरी ओर सैम टेस्ट करने के लिए अपनी लैब की ओर जाती है, लेकिन उसे सुरक्षाकर्मियों द्वारा अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। उनका दावा है कि वहां एक रासायनिक रिसाव हुआ है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह दूसरे गलियारे से अंदर घुसती है और देखती है कि आईएसए की टीम उसका सारा सामान हटा रही है। यह अनुमान लगाते हुए कि वे कुछ करने वाले हैं, सैम मॉली को घर पर फोन करता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि उसकी पत्नी एलन के साथ आईसर जा रही है। परिणाम स्वरूप वह जल्दी से मॉली को एलन की कार से बाहर निकलने के लिए संदेश भेजती है। संदेश प्राप्त करने पर मॉली को खतरा महसूस होता है, इसलिए वह कार से बाहर कूद जाती है और भागने लगती है। वह सौभाग्य से जॉन से मिलती है, जो चिंता के कारण उसका पीछा कर रहा था। अंतिम दृश्य में एलन और आईसर हमला दल मॉली के घर में घुसते हैं, लेकिन उसे खाली पाते हैं। मॉली ने आखिरकार उसे बताया कि जब वह अंतरिक्ष में थी तो आईसीए ने उसकी सहमति के बिना उस पर प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप वह गर्भवती है।